नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिट टॉक एरिया में, जिसमें हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीनट्स एक्सपोर्ट कैसे करें, उसका एचएस कोड क्या है, लोकल मार्केट में वो कहाँ पे अवेलेबल होती है, उसके बाद कि उसमें पैकिंग कॉस्ट कैसा है, उसमें क्वालिटी कैसे रखनी चाहिए, वो कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, कितने प्राइस में एक्सपोर्ट होता है और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, ये सारे के सारे पीनट्स के ऊपर एनालिसिस वीडियो है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और आप इसमें नोट करते जाइएगा जो भी आपको अच्छा लगे वो पॉइंट। ओके दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है, ओके, उसका आपको एचएस कोड मालूम होना चाहिए, आपको एचएस कोड उसका पता होना चाहिए। ओके, मैं आगे बताऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि एचएस कोड कैसे हम लोग आपकी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसका एचएस कोड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए आप ये एचएस कोड है पीनट्स का 1202410। ओके, उसके बाद आएगा आपको कौन कहाँ पे आपको लोकल मार्केट में मिलेगी पीनट्स, आपको कहाँ पर मिलेगी अच्छी वाले एक्सपोर्ट क्वालिटी की पीनट्स। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में, जो यहाँ पे आप देख रहे हो सेफ्रॉन कलर का, सेफ्रॉन कलर जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे पीनट्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा पीनट एक्सपोर्ट भी होती है और प्रोड्यूस भी होती है। और यहाँ से मुंद्रा पोर्ट, जिस अदानी पोर्ट है वो यहाँ पे है इस एरिया में, वहाँ पे इस एरिया से मुंद्रा पोर्ट नज़दीक पड़ता है। उसके बाद आएगा इसकी पीनट्स की पैकिंग कैसी रखनी चाहिए आपको, और जो भी एवरेज ये यहाँ पे जो भी एनालिसिस जो भी मैंने किया है वो एवरेज है। ओके, इसके ऊपर जो भी चेंजेस रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर भी चेंजेस रहता है, वेदर के ऊपर भी चेंजेस रहता है, और कौन सी कंट्री में जा रहा है उसके वेदर के ऊपर भी यहाँ पे चेंजेस रहता है, ये जो एवरेज है ये एनालिसिस है। ओके, मॉइस्चर 4% रखना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया गुजरात स्प्लिट 15%, रेड स्किन 3%, इम्परफेक्ट 3-4%, और उसकी पैकिंग है वो 25 kg बैग में भी हो सकती है, और वैक्यूम अगर कार्टून है तो आपके बायर के अकॉर्डिंगली आप पैकिंग कर सकते हैं, अगर बैग पैकिंग है तो यहाँ पे 25 kg का बैग रहता है। उसके बाद ये क्वालिटी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये काउंट यहाँ पे लिखा है और 35-40 आपको लिखा, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये काउंट कैसे है डिसाइड होता है, आपका जो भी हाथ है हैंड है उसमें आपको अपनी मुट्ठी से पीनट्स इकट्ठा करनी और अपनी मुट्ठी से लेना है, उसमें जितना भी पीनट्स आएगा, जितना भी नंबर ऑफ पीनट्स आपकी मुट्ठी में आता है, ओके, उसके हिसाब से, उसके बिहाव के हिसाब से आपका यहाँ पे काउंट होता है। अगर 35 आए तो 35 से 40 के बीच में होगी, 40 आए तो 40 से 45 के बीच में होगी, जितने भी मुट्ठी में आएगा वो इसके हिसाब से यहाँ पे काउंट होता है और इसके हिसाब से यहाँ पे क्वालिटी डिफाइंड होती है। ओके, और इसमें दो प्रकार के पीनट्स होते हैं, बोल्ड और जावा। ओके, ये दो तरह के आप पीनट्स होते हैं, बोल्ड और जावा। कितने कैसी पीनट्स एक्सपोर्ट होती है, ओके, रोस्टेड पीनट एक्सपोर्ट होती है, इनसेल पीनट जो भी डायरेक्टली फार्म प्रोड्यूस है, डायरेक्ट फार्मिंग होता है, उसके बाद जो भी फार्म वेयर हाउस में जाता है उसको बोलते हैं इनसेल पीनट्स, वो भी एक्सपोर्ट होता है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला पीनट्स ये है, जो भी रेड स्किन होता है ये भी ड्राई हो जाता है तो रेड स्किन इसकी हो जाती है, अगर वो जो फ्रेश होता है 15-20 दिन यहाँ पे रहता है तो ये उसकी पिंक स्किन होती है। अभी आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है पीनट्स, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडोनेशिया में,
उसके बाद आता है वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई, यूक्रेन, सिंगापुर, इथोपिया और नेपाल। ये टॉप 10 कंट्री में एक्सपोर्ट होता है सबसे ज्यादा पीनट्स। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये 2020 का प्राइस है, एफओबी प्राइस है 2020 का, इंक्रीज होके ये इतना बड़ा है 2021 में, इस साल में ये इतना इंक्रीज हुआ है 10 रुपीज, अराउंड 15 रुपीज, 10 रुपीज, एवरेज 10 रुपीज के अराउंड है, एवरेज 10 रुपीज की बढ़त आई है एक साल में। अब आता है कि कौन से इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट, कॉमन क्वेश्चन होता है सभी का कि मेरी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। अगर आपको पीनट्स एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो 30 से 40 लाख रुपीस पर कंटेनर के हिसाब से अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ये पीनट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो मैं आपके लिए, जो भी स्टार्टअप एक्सपोर्टर है, जो भी एक्सपोर्टर है वो इतनी बड़ी अमाउंट प्रिफर नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे 1 लाख 2 लाख रुपीस की भी मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेके आऊँगा। वो भी प्रोडक्ट के हिसाब में एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस करूँगा जो मैंने पीनट्स का किया वैसा ही। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की वीडियो आती है तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ऐसे ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख सकते हो फ्री में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।